लास्ट सीन में हमने देखा था कि चाचा ने सू चेंगे को मना कर दिया होता है, उसके पास एक लेटर भिजवाया होता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी, और अब वो जिनयांग के पास जा रही है, जिसे सुनकर सू चेंगे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हमें जिनयांग को दिखाया जाता है जो कि जिनसे बात कर रहा होता है कि चेंगे काफी ज्यादा गुस्से में होगा क्योंकि सडनली चाचा जो है वो उसके पास आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि उसके यहाँ आने का कोई और मकसद भी होगा और वो इतनी आसानी से छुप नहीं सकती। और अब जब चाचा ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो चेंगी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हमें चाचा और उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि जिनयांग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा कोल्ड है, पर वो काफी अच्छा सिखाता है और वो यहाँ पे आई है ताकि वो जिनयांग को देख सके कि वही पीपा का लवर बॉय है या नहीं, जिसके लिए वो कोई प्लान सोच रही होती है। और फ्लैशबैक को याद करती है कि उसने देखा था कि उसके नेक पर पीकॉक साइन था, लेकिन वो अभी इस बात पे कंफर्म नहीं है, जिसे उसे कंफर्म करना है। जिसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि जिनयांग के बारे में बात कर रहा होता है और उसे मिलने के लिए जाता है। जिसके बाद जिनयांग भी उसे मिलने के लिए आता है और वो पर्सन उसके लिए एक बहुत अच्छी वाइन लेके आया होता है और बताता है कि मुझे अंकल यू ने भेजा है तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिखाते हो, लेकिन बहुत टाइम से तुमने खुद भी प्ले नहीं किया है पीपा को, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा करीब है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अंकल यू काफ़ी ज़्यादा वरीड है तुम्हारे लिए। जिस पर जिनयांग मान जाता है। जिसके बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं एंड जो जिनयांग है वो एक जगह बैठा होता है, और तभी उसके पास चाचा आती है जो उससे कुछ बात करने का ट्राई करती है और ट्राई कर रही होती है कि वो उस पीकॉक साइन को देख सके, लेकिन जिनयांग उसे मना कर देता है ये बोलकर कि अभी उसे पीपा सिखाने के लिए जाना है। लेकिन चाचा फिर भी नहीं मानती और उससे फिर भी बात करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी जिनयांग को कोई बुला लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चाचा सोच रही होती है कि आखिर वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकाले कि उसके पास पीकॉक टैटू है या नहीं। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिनयांग सभी को पीपा सिखा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है जिसे शिन स्मेल करती है और कहती है कि बहुत अलग फ्रेग्रेंस है, और जब तक ये फ्रेग्रेंस आ रही है तब तक वो कम नहीं कर सकती और ना ही प्रैक्टिस कर सकती है, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। और हमें दिखाया जाता है कि जो चाचा है वो इन सभी लोगों की सारी बातें सुन रही होती है, और तभी वो जिन को देखती है जो उसी लड़की के पीछे पीछे जा रहा होता है। जिसके बाद चाचा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और जिन के पास आ जाती है जो कि किचन में काम कर रही हुई लड़की को देख रहा होता है, और उससे कहती है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो, अगर तुम करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, उसके बदले में मुझे बस जिनयांग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिसके लिए जिन मना कर देता है और कहता है कि वो जिनयांग के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, वो नहीं कर सकता। जिस पर चाचा बताती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उसे इम्प्रेस करने में, तुम्हें मेरी एबिलिटी पर कोई शक तो नहीं है ना, और उसे वो दिन याद आता है जहाँ पर उसने रेड कलर की ड्रेस पहनकर डांस किया था और सभी लोग उसके पीछे पागल हो गए थे, और उसे याद करता हुआ वो कुछ सोचने लग जाता है। लेकिन तभी चाचा उसे एक बुक दिखाती है जिसमें 100 स्टाइल्स होते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के, और उसे देखकर जिंग जो है वो बहुत ही जल्दी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिनयांग के स्टडी रूम में, जहाँ पे वो कुछ ढूंढ रही होती है एक म्यूजिक बुक, लेकिन यहाँ पे चेहरा नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद उस लड़की को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और वहीं से जा रही होती है, तभी उसके हाथ से कैंडल गिर जाती है और उस कमरे में आग लग जाती है, जिससे जिन और चाचा देख लेते हैं और उस कमरे की तरफ जाते हैं, और तभी वहाँ पे जिनयांग आता है जो कि अपनी पीपा को बचाने के लिए कमरे में ही चला जाता है क्योंकि उस पीपा को उसे फेस्टिवल में प्ले करना था, और इसीलिए उसके पीछे पीछे चाचा भी आ जाती है जो उसे बचाने की कोशिश करती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सुन जाएंगी अपने सर्वेंट को डांट रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। जिस पर सर्वेंट कहता है कि उसके स्पाई ने वहाँ पे जाके ढूंढने की ट्राई की थी म्यूजिक बुक, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिला और कमरे में आग लग गई। जिस पर चेंगी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अब कमरे में आग लगी है जिस वजह से म्यूजिक बुक का पीपा वगैरह जल गया होगा, अब कुछ भी नहीं बचेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन जो है वो जिनयांग को सुला देता है, और उसकी हेल्थ के बारे में और फायर के बारे में चाचा जो है वो जिनसे पूछ रही होती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, लेकिन जिनके पास भी कोई आंसर नहीं होता क्योंकि वो तो खुद उसके साथ था, इसलिए वो उसे मना कर देता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है कि कहीं जिनयांग उठ ना जाए। जिसके बाद हमें वापस से चाचा को दिखाया जाता है जो पीपा गर्ल की उस बुक को पढ़ रही थी जिसमें उसने लिखा था कि रेड ड्रेस में एक पर्सन उसे आग से बचाता है, और इसको पढ़ के वो सोच रही होती है कि पीपा गर्ल ने उसका नाम ही लिख दिया होता तो उसे ढूंढने में आसानी होती, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि वो पर्सन जिनयांग है या नहीं, और अगर वो पर्सन जिनयांग ही है जिसने पीपा गर्ल को बचाया था तो उसे अभी कुछ दिनों में उसे प्रपोज कर देना चाहिए। इसके बाद जिनको दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आ रहा होता है, लेकिन तभी वो सामने जिनयांग को देख लेता है और उसके बाद वापस जाने वाला होता है, लेकिन जिनयांग उसे अपने पास बुला लेता है और जिन उसके पास आके उससे सॉरी बोलता है कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसने चाचा को बता दी। जिस पर जिनयांग कहता है कि मैं तो इस बात के बारे में कुछ जानता ही नहीं, वो तो फायर के बारे में पूछना चाहता था, और इनकी बहुत सारी डिस्कशन में नतीजा ये निकलता है कि जिनयांग को लगता है कि ये फायर जो है वो चाचा ने लगाई है, जरूर यहाँ किसी और मकसद से आई है और कुछ और करना चाहती, जिसे सुनकर तो जिन भी शौक हो जाता है और कहता है कि चाचा ऐसा कैसे कर सकती है, वो एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी है, पर जिनयांग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद हमें चाचा को सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे बुक में कुछ ढूंढ रही होती है, और उसके पास उसके सर्वेंट आती है जो उससे पूछती है कि आखिर आप क्या कर रहे हो, और चाचा बताती है कि जिनयांग उसे बहुत जल्दी प्रपोज करने वाला है तो वो बस उसका इंतजार कर रही है, और ये सोच सोच के वो काफी स्माइल करने लग जाती है, और तभी वहाँ पे जिनयांग आ जाता है जिसे चाचा अपनी चोट दिखाती है और बताती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे चोट लग गई, और काफी बिचारों वाली हरकतें करती है, जिसकी सारी एक्टिंग जिनयांग समझ रहा होता है, वो उसके लिए दवाई लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसको पूरा पूरा शक होता है कि वो आग जरूर चाचा ने लगाई है, और इसी का पता करने के लिए वो चाचा के पास आया है। जिसके बाद वो जिन और चाचा के सर्वेंट को बाहर निकाल देता है और अपने हाथों से चाचा के हैंड पर जहाँ चोट लगी थी उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है, और साथ में उससे जानने की ट्राई कर रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे आई क्यों है। लेकिन उन दोनों के बातों के बीच में
चाचा का हाथ है उसके हाथ पे जोर से प्रेस हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और थोड़ा सा रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। लेकिन तभी वहाँ बाहर से जिन उसे बुला लेता है और जिनियांग से चला जाता है, जिसके बाद उसके जाने के बाद चाचा सोच रही होती है कि क्या मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स है। लेकिन तभी वहाँ पे चाचा की सर्वेंट आती है और बताती है कि मेडिसिन तो फेक था, असल में जिनियांग यहाँ से तुमसे कुछ जानने आया था। जिस पर चाचा कहती है कि वो तो खुद यहाँ पे किसी और काम से आई है, वो भी थोड़े टाइम के लिए। जिसके बाद हमें जिनियांग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पीपा प्रैक्टिस करा रहा होता है और दूर से उसे सासा देख रही होती है। और तभी वो किसी लड़की को जिनियांग के स्टडी रूम में जाते हुए देखती है और वो उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकरा जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़की स्टडी रूम से भाग जाती है और सासा वहाँ जाती है तब तक कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पे जिनियांग आ जाता है जो कि सासा को समझता है कि वो स्टडी रूम में कुछ ढूंढने आई है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिस पर सासा उसे एक्सप्लेन करती है कि उसने यहाँ पे किसी लड़की को देखा था, लेकिन जब वो यहाँ पे आई तो वो यहाँ से जा चुकी थी क्योंकि वो बाहर किसी चीज़ से टकरा गई थी। लेकिन इस बात पर जिनियांग को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, जिसके बाद वो सासा को बाहर लेके आता है सभी लड़कियों के पास और उनसे पूछता है कि क्या कोई लड़की यहाँ से बाहर गई थी, और सभी लड़कियाँ मना कर देती है कि यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। जिसके बाद ये सुनकर सासा शौक में पड़ जाती है और जिनियांग उससे पूछता है कि अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करो कि तुम मेरी स्टडी रूम में क्या कर रही थी। जिस पर सासा कहती है कि वो सच बोल रही है, लेकिन जिनियांग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उसको महल से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिनियांग अपनी जगह पे बैठा होता है, उसके पास जिन आता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसे यहाँ से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि उसे सच में लगता है कि सासा ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर जिनियांग उसे काफ़ी सारी बातें करता है और उस फ्रेग्रेंस को याद करता है जो कि शिन ने बताया था कि उसे अजीब सी फ्रेग्रेंस आ रही है, और वो डिसाइड करता है कि ज़रूर वो फ्रेग्रेंस उसी में कुछ है और उसे इस बारे में पता करना चाहिए कि सासा वो लड़की है या नहीं। और हमें यहाँ सासा को दिखाया जाता है जो किसी लड़की के रूम में आती है और वो भी इसी फ्रेग्रेंस की बात करती है कि जब वो उस लड़की का पीछा कर रही थी तो वहाँ पर उसे कुछ अजीब फ्रेग्रेंस स्मेल हुई थी, तो वो ज़रूर उन्हीं में से कोई लड़की है। और वो सभी के कमरों में जाके चेक कर रही होती है कि वो फ्रेग्रेंस किसके ड्रेस में से आ रही है। लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसकी रूम की चेकिंग कर रही थी सासा, और वो उससे बड़े ही अच्छे से बातों बातों में पूछ लेती है कि फ्रेग्रेंस जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी वो उस बारे में जानना चाहती थी। और वो लड़की बता देती है कि यून सिंसैंग स्टोर पर मिलेगी, काफ़ी यूनिक होती है वो। जिस पर सासा उसे थैंक्स डार्लिंग बोल के वहाँ से चली जाती है। जिस पर सासा यून जान स्टोर आती है और उस स्टोर के ओनर से पूछती है कि क्या उसके पास वो फ्रेग्रेंस वाली स्मेल है, क्या वो यूनिक फ्रेग्रेंस है। लेकिन उसको फ्रेग्रेंस का नाम नहीं पता होता, इसीलिए वो सारी चीज़ों को चेक कर रही होती है और उस दुकान पे उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो नेक्स्ट स्टोर पे जाती है जहाँ पे एक लेडी होती है जिससे वो इन फ्रेग्रेंस के बारे में पूछती है, और वहाँ पे रखी हुई कई सारी फ्रेग्रेंस को स्मेल करती है पर वो उसकी जैसी नहीं होती। जिसके बाद ओनर आके उसकी हेल्प करती है और उसे बताती है कि उस फ्रेग्रेंस का नाम आलमंड लोटस पाउडर है। और जब सासा उसे चेक करती है तो वाकई वो वही फ्रेग्रेंस होती है जिसे वो बाय करने का कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हाउस का, जिनियांग के हाउस का, जहाँ पे सभी लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है और सासा में कहती है कि वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ज़रूर उसी ने स्टडी रूम में आग लगाई थी। लेकिन तभी वहाँ पे शीन आ जाती है और कहती है कि क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा, जिस पे वो लड़की मना करती है और शीन कहती है कि जो सुनाई देता है वो रूमर्स भी हो सकती है, इसीलिए फालतू की बकवास बंद करो। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो सारी लड़कियाँ शीन से परेशान हो जाती है क्योंकि शीन उन्हें सबको ऑर्डर देती है कि क्योंकि वो उनके ग्रुप की हेड होती है, जिस चीज़ से वो परेशान हो जाती है और जिनियांग के पास जाकर उसे निकलवाने की बात करती है। और उन लड़कियों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर जिनियांग भी सोच रहा होता है और वो कुछ ना कुछ करेगा ऐसा बोलता है, जिससे बाकी की लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती है ये सोचकर कि अब तो सीन पक्का यहाँ से निकल जाएगी, और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिनियांग सोच रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, और यहीं पर हो जाता है एक्सप्लेनेशन ख़त्म।